Hello children, in this video we will do heading tag, comment tag and center tag of HTML. Okay, so let us start with the heading tag. Heading tag kya hota hai? HTML defines six different heading labels in which the first label is the biggest in size and sixth label is smallest in size. तो HTML define करता है अगर आपको वेब पेज पे हेडिंग देनी है तो उसके लिए हमारे पास सिक्स लेबल्स है हेडिंग के, जिसमें जो फर्स्ट लेवल होता है वो सबसे बिगेस्ट साइज में सबसे बड़ा साइज होता है और सिक्स होता है सबसे स्मॉलेस्ट साइज ऑफ हेडिंग. फाइन. सिंटेक्स क्या है? HN टैग्स ऑफ हेडिंग क्लोज. ये क्या है? HN जो हेडिंग टैग है वो क्या है? कंटेनर टैग है. तो यहाँ पे n स्टैंड फॉर द नंबर 1 2 3 4 5 6. ओके, सो दिस इज द सिंटेक्स. आप क्या करोगे, हेडिंग टैग के अंदर एनक्लोज करोगे टेक्स को, वेयर n कैन हैव वैल्यूज फ्रॉम 1 to 6. That I have told you, headings are typically displayed in larger and bolder fonts than the normal body text. अब ये जो headings है, heading tag के अंदर जो भी text देते हो as a heading आपका display होगा, तो जो heading है वो किस form में आती है, उसका font बड़ा होता है और bold होता है. Fine, as compared to the normal text. Fine. HTML automatically adds an extra blank line before and after a heading. HTML अपने आप एक एक्स्ट्रा ब्लैंक लाइन ऐड कर देता है हेडिंग से पहले और हेडिंग के बाद. फाइन. सो HN टैग ऑटोमेटिकली गिव्स पैराग्राफ ब्रेक. तो जैसे पैराग्राफ में भी सेम होता है कि पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ के बाद ब्लैंक लाइन ऐड हो जाती है, वैसे ही हेडिंग टैग जब आप यूज करते हो तो पैराग्राफ से सॉरी हेडिंग से पहले और हेडिंग के बाद एक ब्लैंक लाइन ऐड हो जाती है. फाइन. तो यहाँ पे हमारी हेडिंग सिंटेक्स दिया है, फर्स्ट हेडिंग H1, सेकंड हेडिंग H2, H3, H4 लाइक दिस. सो लेट अस डू इट प्रैक्टिकली नाउ. ओके, सो हियर वी हैव HTML टैग. ओके, देन हेड, टाइटल. इन टाइटल यू कैन गिव हेडिंग ट्यूटोरियल. फाइन. देन टाइटल क्लोज एंड हेड क्लोज. देन वी विल स्टार्ट द बॉडी टैग. फाइन. ओके, अब इसमें हम लोग हेडिंग्स देंगे, तो हेडिंग्स के लिए कोई टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं सिंपली. जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, यही फर्स्ट लाइन ले लेते हैं. एवरी कंप्यूटर बिग हेडिंग ले लिए मैंने. ओके, सो हियर आई एम, दिस इज H1. H1 क्या होता है? बिगेस्ट हेडिंग होती है. फाइन. क्लोज H1. ओके, दिस इज योर H1 हेडिंग. अब यहाँ पे हम इसका लेवल चेंज कर देंगे 2 3 4 5 6. सेम हियर क्लोजिंग टैग 2 3 4 5 6 एंड देन body tag close and then HTML close. okay, ये हमारा बन गया प्रोग्राम छोटा सा heading tag का. इसको हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे. कोई भी नेम दे दो आप इसको, heading.html. fine, save. okay, तो यहाँ पे heading फाइल आ गई है, इसको हम ओपन कर लेते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर से कर लेते हैं. चलो गूगल क्रोम भी कर सकते हो आप. नाउ लुक एट दिस, ये आपका आ गया हेडिंग आ गई. देखो सबसे पहले जो सबसे बिग हेडिंग है, जो सबसे आपने H1 में दी थी वो सबसे बड़ी हेडिंग है. फाइन. फिर आपने जो H2 में दी वो उससे थोड़ी सी स्मॉल है. देन H3, दिस इज योर H3, दिस इज योर H4. ओके, एंड दिस इज योर H5 हेडिंग.
and this is your H6 heading. Fine. Okay, so here you have given headings with the help of heading tag. Fine. Next. अब next हम करेंगे सेंटर टैग. सेंटर टैग क्या है? सेंटर टैग में आप कोई भी टेक्स्ट दोगे या इमेज दोगे तो वो क्या आ जाएगी? सेंटर में आ जाएगी. एंड सेंटर टैग इज अ कंटेनर टैग. फाइन, जैसे ये मेरी फर्स्ट हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग है, इसको मैंने कर दिया सेंटर, सॉरी एच हेडिंग. ओके, इसको मैंने कर दिया सेंटर, सेंटर एंड देन सेंटर क्लोज, सेंटर क्लोज. ओके, सेंटर टैग अप्लाई कर दिया. सेंटर इज अ कंटेनर टैग. ओके, विद द हेल्प ऑफ द सेंटर टैग यू कैन मेक एनी टेक्स्ट और द इमेज इन द सेंटर ऑफ द वेब पेज. फाइन, तो हम थोड़ा ऐसा कर लेते हैं. चलो इसको भी ऐसे कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं पहले इसको. देखो सेंटर में आ गई ये वाली हेडिंग, सेंटर में आ गई है. फाइन, ओके. अब एक वैसे इमेज में भी करवा नहीं रही, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करवाऊंगी, फिर भी मैं सिंपल सी एक इमेज लेके देखती हूँ. IMGSRC. ओके, उससे पहले आप अप्लाई कर दो सेंटर टैग. सेंटर टैग, फाइन, IMGSRC. यहाँ पे आप क्या दोगे? इमेज का URL दोगे. फाइन, राइट. तो जो भी इमेज आपको चाहिए उसका यूएल कॉपी कर लेंगे. कैसे? ओपन विद करके इंटरनेट एक्सप्लोरर मैंने कर दिया है, तो यहाँ पे ये मेरे पास आ गया है, इसको मैंने कॉपी कर लिया. सी, फाइन, ओके. एंड देन कॉपी, कंट्रोल बी. ओके, हमने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया है एंड सेव कर दिया. फाइन, राइट. अब हम जाके देखते हैं रिफ्रेश करके. रिफ्रेश, अब आप इसको पूरा वेब पेज को देखो. देखो यहाँ पे क्या, सेंटर में इमेज आ गई है. आपने टेक्स्ट को भी सेंटर में कर दिया, फर्स्ट जो हेडिंग थी उसको भी सेंटर में कर दिया, फिर इमेज भी आपकी सेंटर में आ गई है. फाइन, ओके. ओके, नेक्स्ट वी हैव कमेंट टैग. हमने क्या किया, हेडिंग टैग किया, देन सेंटर टैग किया. सेंटर टैग से आप किसी भी टैग या इमेज को सेंटर में डिस्प्ले करा सकते हो. नाउ वी हैव कमेंट टैग. कमेंट टैग का क्या यूज है? कमेंट इज द टेक्स्ट व्हिच इज रिटन फॉर यूजर अंडरस्टैंडिंग. कमेंट क्या होता है? समटाइम्स हम ये कुछ अपने लिए कुछ टिप्स लिखना चाहते हैं, तो हम ये चाहते हैं दैट शुड नॉट डिस्प्ले ऑन द वेब पेज. तो आप क्या कर सकते हो, उसको कमेंट में आप उसको टाइप कर सकते हो. ओके, व्हाई? बिकॉज कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय द ब्राउजर एंड आर नॉट डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज. कमेंट को ब्राउजर डिस्प्ले नहीं करता वेब पेज पे. जैसे मैंने मुझे कुछ कुछ भी लिखना है. ओके, सो आई एम राइटिंग, दिस इज कुछ भी लिखती हूँ, दिस इज डेमो क्लास. डेमो क्लास, राइट. मैंने लिखा दिस इज डेमो क्लास, सिंपल. अब अगर आप उसको सेव करते हो और देखोगे तो डिस्प्ले करेगा. रिफ्रेश करो. फाइन, वेब पेज को तो ये आया हुआ है. देखो दिस इज डेमो क्लास, ये छोटा छोटा आया हुआ है, दिस इज डेमो क्लास. फाइन, अब मैं चाहती हूँ ये डिस्प्ले ना हो. दिस इज डेमो क्लास जो है वो डिस्प्ले ना हो, तो मैं क्या करूंगी, इसको कमेंट बना दूंगी. फाइन, तो मैंने इसको क्या किया, सिंपल एंगुलर ब्रैकेट, देन यू हैव द एक्सक्लेमेशन. ये क्या है, सिंटेक्स है कमेंट टैग का, एंगुलर ब्रैकेट. तो ये मेरी अब कमेंट बन गई, दिस इज डेमो क्लास क्या बन गया, कमेंट बन गई है. सेव करो. अब आप वेब पेज जब डिस्प्ले करोगे तो उस पे ये अपीयर नहीं करेगा. सी, यहाँ पे नहीं आया. ऐसे ही देखो, मैं कमेंट फर्स्ट कमेंट को क्या करती हूँ, या सेकंड कमेंट को फर्स्ट ले लो, इसको मैंने बना दिया हेडिंग टैग. फाइन, नॉट सॉरी, हेडिंग टैग नहीं, कमेंट हियर. फाइन,
नाउ देखो आपकी जो हेडिंग फर्स्ट हेडिंग थी वो अब डिस्प्ले नहीं हो रही है, व्हाई? बिकॉज वो जो फर्स्ट हेडिंग थी अब क्या बन गई, कमेंट बन गई है, फाइन। तो कमेंट क्या है, यूजर की के लिए है कमेंट का फीचर। इफ यू वॉन्ट टू राइट एनीथिंग फॉर योर ओन यूज यू कैन राइट इन कमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग क्या थी हमारी, कमेंट बन गई, फाइन। तो इस वीडियो में हमने थ्री टेक्स किए हैं। फर्स्ट इज हेडिंग टैग, राइट। H1, वी हैव H1 टू H6 हेडिंग्स, राइट। H1 इज द लार्जेस्ट हेडिंग एंड H6 इज द स्मॉलेस्ट हेडिंग, देन सेंटर टैग एंड देन कमेंट टैग, ओके।